गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने हमारी लास्ट क्लास में देखा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट क्लासिफिकेशन था और उसके बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उस पर। आज का अपना टॉपिक है प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, प्रोटीन और वसा। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन्स जेकब बर्जीलियस ने 1938 में किया था, यानी कि जे जे बर्जीलियस ने 1938 में इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद जे जे मूल्डर एक साइंटिस्ट हुए थे, यानी कि 1840 में, 1840 में उन्होंने उसका प्रोटीन का नामकरण किया था। अब है डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की परिभाषा। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। कुछ प्रोटीन में इन तत्वों के अलावा आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा एवं फास्फोरस भी उपस्थित होते हैं। इस दौरान आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन होता है ना, उसमें एमिनो एसिड होते हैं, जो अमीनो अम्ल होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि अमीनो अम्ल का एक पॉइंट भी आप दूसरे उसमें ग्रुप में जोड़ देंगे ना, तो दूसरा आपका प्रोटीन तैयार हो जाएगा। यानी कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोले जाते हैं उनको। जब इनको दूसरे के साथ ऐड किया जाता है तो अलग अलग प्रोटीन अपन बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए अमीनो अम्ल में जो अमीनो अम्ल होते हैं वो प्रोटीन की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स आप देखेंगे, इसमें कार्बन जो एटम होता है उसके चारों तरफ एक CWH ग्रुप लग रहा है, एक बार NH2 ग्रुप लग रहा है, अमोनिया ग्रुप, और R यानी कि जो चेन है, कंप्लीट चेन इसके यहाँ से जुड़ती चली जाएगी एमिनो एसिड्स की, ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अब है फैट्स, ऐसे पदार्थ जो पानी में अघुलनशील और स्पर्श करने पर तेल या चिकना महसूस होते हैं, फैट होते हैं। आमतौर पर जो फैट होते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य ताप पर ठोस होती है। दुनिया में प्राप्त कुल वसा का 90% से अधिक पौधों और जानवरों के लगभग 20 प्रजातियों से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो टोटल फैट होता है वर्ल्ड का, वो 90% फैट किससे मिलता है? पौधों से और जानवरों से। ठीक है, फैट को दो भागों में बांटा गया है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में जैसे मछली का तेल और वनस्पति तेल। वनस्पति तेल जो अपना, जैसे ये डालडा होता है, इसको वनस्पति तेल बोला जाता है। और अनसेचुरेटेड का एग्जांपल है नारियल का तेल एवं ताड़ का तेल। फैट का जो सिंथेसिस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि वसा का संश्लेषण कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो फैट होते हैं वो त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। ठीक है, यानी कि ये टेम्परेचर ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से बीमारी स्टार्ट हो जाती है। मोटापे वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें मेन रीजन होता है बीमारी का फैट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन को तीन भागों में बांटा गया है, पहला होता है सिंपल प्रोटीन, दूसरा होता है कंजुगेटेड प्रोटीन और तीसरा होता है डेराइव्ड प्रोटीन, यानी कि सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। जो सिंपल प्रोटीन होते हैं उनके एग्जाम्पल है जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिनाइड। ठीक है, और कंजुगेटेड प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं न्यूक्लियो प्रोटीन और ग्लाइको प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं पेप्टोन्स एंड फॉस्फो प्रोटीन और पेप्टाइड्स। ठीक है, जो संयुग में यानी कि संयुक्त जो प्रोटीन होते हैं वो, उसका एक एग्जांपल क्रोमोप्रोटीन भी आता है। ठीक है, अगला है इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि मानव शरीर में सिर्फ दो ही विटामिन संश्लेषित होते हैं, यानी कि सिंथेसिस होते हैं। पहला है विटामिन डी, जिसको कोलकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, और दूसरा है विटामिन के, जिसको फिलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन बोलते हैं, हिंदी में फिलोक्विनोन होता है।
अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट अगला देखेंगे आप। मानव शरीर में जो 9 आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं उनका संश्लेषण नहीं होता है, सिंथेसिस नहीं होता है। 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। पहला है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मैथियोनिन और फेनिलएलनाइन और थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलेन। अब है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन का अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे होता है अपनी बॉडी में, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। और इसी में से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। पहला है प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। मांसपेशियों में लगभग 30% प्रोटीन होता है और यकृत में 20 से 30% तक प्रोटीन होती है। आरबीसी में 30% प्रोटीन होती है। प्रोटीन का उच्च भाग होता है ना, वो बालों, हड्डियों और अन्य अंगों और ऊतकों में कम पानी की मात्रा के साथ पाया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर को 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा में 9.4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज में 4.6 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे अधिक ऊर्जा फैट से मिलती है, यानी कि 20 to 30%, 20 से 30% जो ऊर्जा होती है वो फैट से मिलेगी। और सबसे तेज गति से ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होती है। कई बार आप देखते होंगे गर्मियों में आप देखते हैं कि ग्लूकोज पानी में डाला और एंड टू एंड आप एनर्जेटिक फील करते हैं, तो उसका एक ही रीज़न है कि ग्लूकोज बहुत जल्दी एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होता है, एडीपी टू एटीपी, सॉरी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी वजह से बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाती है। अगला है प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन क्लोरेला शैवाल में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने का है, क्वेश्चन बहुत आता है इसके ऊपर कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है प्रकृति में, यानी क्लोरेला शैवाल होता है उसमें पाया जाता है। खाद्य पदार्थों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन की दाल में पाया जाता है और चावल में कोई भी प्रोटीन उपस्थित नहीं रहता है, ध्यान देने वाली बात है। केराटिन बालों में, नाखूनों एवं जानवरों के सींगों में और खुरों में पाया जाता है। जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, ठीक है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो कार्टिलेज होता है ना, हड्डी का पार्ट होता है, उपास्थि जिसको बोलते हैं, उसको पानी में उबाल के प्राप्त किया जाता है। केसीन होता है वो दूध दूध में पाया जाता है ना, केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाया जाता है, यानी मसल्स में अवेलेबल रहता है। और एल्बुमिन अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है, ठीक है। वसा के यानी शरीर में जो वसा का संश्लेषण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, फैट फैट का जो सिंथेसाइजेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला है प्रोटीन के स्रोत, यानी कि सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। इसका हरी सब्जी है और बीन, छोले, दाल, टोफू और कम वसा वाले डेयरी उत्पाद भी प्रोटीन के अच्छे प्रोटीन है स्रोत हैं। और यदि आप जैसे देखते हैं, यानी 250 ग्राम चिकन में 60 ग्राम प्रोटीन होता है। ग्राउंड बीफ के यानी कि जो गो मांस होता है उस 255 ग्राम में 63 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 कप दूध में 9 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। और 1 कप जो बीन्स होता है उसमें 15 ग्राम प्रोटीन होता है। 2 बड़े चम्मच पीनट बटर में 8 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। कंप्लीट डिटेल है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी कि कितनी मात्रा कहाँ पाई जाती है, ठीक है। अभी प्रोटीन का कार्य। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना में एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना होता है। यानी कि ये अपने शरीर के लिए इम्पोर्टेंट किस लिए है, क्योंकि जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा बॉडी का उसको बनाने में हेल्प करता है प्रोटीन।
हमारे शरीर की संरचना और कार्य प्रोटीन पर निर्भर करते हैं। शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का नियमन उनके बिना नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सब के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन। उसके बगैर, प्रोटीन के बगैर अपने सारे ऑर्गन काम नहीं कर सकते। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, इम्पोर्टेंट जो रोग होता है वो है क्वाशियोर्कर, ठीक है। सेकंड है एडिमा। एडिमा क्या होता है? जो एक एक प्रकार की सूजन होती है, ठीक है, फ्लूड बिल्डिंग इन द टिश्यू, यानी कि टिश्यूज में जो फ्लूड होता है डिपॉजिट होने लग जाता है और धीरे धीरे सूजन आ जाती है, ठीक, उसको एडिमा बोलते हैं। तो इसको बताना भूल गया कि जो क्वाशियोर्कर जो डिजीज होती है ना, ये मेनली बच्चों में होती है, चाइल्ड एसोसिएटेड होती है, और इसमें बच्चों के जो हाथ पांव होते हैं वो दुबले पतले हो जाते हैं और पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। आपने देखा हो कई बच्चों का टमी टाइप में हो जाता है पेट, ठीक है। और नेक्स्ट है पतले एवं भंगुर बाल, यानी कि किसी के दो मुंह टाइप में बाल हो जाते हैं, वो सब प्रोटीन की कमी से होते हैं। लीवर इन्फेक्शन भी हो सकता है इसकी कमी से, मैरस्मस भी हो सकता है और थकान भी हो सकती है। जो मैरस्मस जो डिजीज होता है ना, उसमें बच्चों की मांसपेशियां क्या होती हैं, लूज जाती हैं हल्की सी, ठीक है, और आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं, इसको मैरस्मस रोग बोलते हैं। तो उसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखने लायक, वो दो ही दो तीन ही है, क्वासियोर्कर डिजीज, एडिमा और मैरस्मस।